यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर 3x। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3e का पावर 3x। क्लियर? वैसे ही इसका आंसर हो जाएगा 3e का पावर 3x प्लस 4। तो ऐसा कौन लॉजिक है जिसके बेस पर हम इसका आंसर इतना जल्दी बता दे रहे हैं? चलिए उसी लॉजिक को देखा जाए। तो पहला लॉजिक देखिए, अगर ऐसा हो डी बाई डी एक्स और ई का पावर ए एक्स, तो क्या होगा? ई का पावर एक्स है तो सेम टू सेम लिख देना है, और गुणांक क्या है, ए है तो ए से गुना कर देना है। ये हो गया आपका पहले के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पावर में 3x था, तो 3 लिख दिया पहले हमने, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आराम से सेम टू सेम लिख दिया। या ऐसे भी कह सकते हैं सेम टू सेम लिख दिया, जो गुणांक था उसको यहाँ पे लिख दिया, आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना? वैसे ही मान लीजिए अगर ऐसा होता डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर 4x, तो आंसर क्या होता, सेम टू सेम लिख देते यहाँ पे, और उसके बाद 4 से गुना कर देते, यहाँ 4 है। क्लियर? अब सुनिए, अब आते हैं दूसरा पर। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया, अब दूसरा पे आ जाते हैं हम लोग। अगर ऐसा होता डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर ए एक्स प्लस माइनस बी, तो इसका क्या होगा, सेम टू सेम लिख दीजिए, और उसके बाद जो गुणांक है ए एक्स का उसको गुना करिए यहां से। तो ये भी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इसी बेस पर इसको बनाए हम, सेम टू सेम लिख दिए यहाँ पे हम। उसके बाद x का कोफिशियंट कितना है, x का कोफिशियंट 3 है, 3 से गुना कर दिए हैं। अब सुनिए यहाँ बढ़िया से, वैसे ही इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, पहले सेम टू सेम लिख दीजिए, उसके बाद x का गुणांक क्या है, 7 है, 7 से यहाँ पे गुना कर देंगे, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको ये ट्रिक कैसा लगा, अब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।